नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी रिजल्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती है उसको हम पार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, बीकॉम, बीएससी, शास्त्री, इन सभी के जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी को डाउनलोड कैसे करें? देखिए, पहली बात, जब भी एचपीयू में कभी भी जो रिज़ल्ट है अपलोड होता है या फिर रिज़ल्ट जो है शो करवाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो सर्वर एरर आ जाता है। ठीक है, दूसरा है कि साइट बिजी चल जाती है। जब भी रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं लॉगिन लॉग आउट, तो उस टाइम पे जो सर्वर है बिल्कुल लो हो जाता है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि डाउनलोड कैसे करें उसी टाइम पे, तो उसके लिए मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा लगभग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्रोम पे आ जाना है। देखिए, मैं आपको क्रोम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ब्राउज़र है और यहाँ पे बहुत सारे जो फीचर्स है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, गूगल पे आप करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे मिल भी जाती है लेकिन ये क्रोम ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हम बात करते हैं, हम यहाँ पे आपको HPU स्टूडेंट पोर्टल लिख के सर्च करना होता है। जैसे ही आप वो सर्च करते हो, यहाँ पे आप ओल्ड पे जाते हो। आपको ओल्ड पे नहीं जाना है, आपको न्यू पे जाना है, जो कि ये है, ऊपर यहाँ पे लिंक दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है अपनी आईडी से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट है। अब मैं इसको न्यू ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी रन इन अनदर टैब। मतलब जब भी आप रिजल्ट डाउनलोड करने जाएँ तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप टैब का ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे टैब ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो रखा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये टैब है, इसके बाद ही आप यहाँ पे क्लिक करें स्टूडेंट रिजल्ट पे। तो देखिए, अभी तो यहाँ पे रिजल्ट गायब हो चुका है बीए वालों का, तो इस पे तो मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, तो ये एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे आपका लिंक होता है होम बटन के साथ यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, ये जो दो बिंदु और माइनस जैसा है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्या होता है कि आपको कुकीज़ डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको क्या है, जो 53B स्टोरेज, 53 बिट है ये, इसको आप डिलीट कर सकते हैं ताकि ये जो पेज है बिल्कुल न्यू हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। और आप चाहो तो यहाँ पे इन कुकीज़ को अलाउ भी कर सकते हो ताकि ये मोर फंक्शन आपके फ़ोन के साथ जो यूज़ कर सके, तो इसको आप अलाउ कर सकते हो, या फिर अलाउ करके नहीं हो रहा तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद आपको पेज को रिफ़्रेश करना है, फिर से लॉगिन करना है और फिर जाके रिज़ल्ट चेक करना है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बीए वालों का है वो HPU ने पूरी तरह से हटा दिया है, पिछला भी और दूसरा भी, क्योंकि अपलोडिंग चल रही है। तो ये केस बताया मैंने आपके, यदि आपका जो साइट एरर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है, अगर आपका रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे अभी टाइम हुआ है 5 बजे, तो आपको ट्राई करना है 5-7 बजे, जिस टाइम पे आपको लगता है कि इस टाइम पब्लिक कम होगी, जैसे कि 9 बजे, या फिर आप कर सकते हो रात के 1-1.5 बजे आप अलार्म लगा सकते हो अगर आपको इतना ही है। अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए, 1 या 1.5 दिन बाद आपको रिज़ल्ट अपने आप ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जल्दी चाहिए तो जागना होगा, रात को आपको उठ के आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि 1 बजे से 1.5 बजे तक जो है और 3 बजे तक जो आपकी साइट है बहुत स्मूथ चलती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई कर दिया है। तो आप इस तरह से अपना जो रिज़ल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता जल्दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 1 या 1.5 दिन में जो साइट वो चल पड़ती है, तो आपका रिज़ल्ट देखने को जल्दी ही मिल जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।